हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आंसर की आउट हो चुका है, तो चलिए सबसे हम पहले यहाँ खोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन करके रख चुके हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे रेज ऑप्शन आ गया है, सराची आ गया। यहाँ पे ऑल की सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से रेज कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और नीचे पे यहाँ पे है दिया हुआ है क्या, क्लिक हियर। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक का एग्ज़ाम था, सोनू कुमार है आईडी भागलपुर में था एग्ज़ाम, और ये 10/11/2022 को था, 12:30 बजे से 11 बजे तक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हम जैसे ही चेक किए, जैसे कि मेरा देख सकते हैं ये रीजनिंग का है, इसमें रीजनिंग में सिर्फ मेरा एक गलती हुआ है, और कौन सा गलती हुआ वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन मेरा सही है। टाइम मैनेजमेंट के चलते हम कुछ गलत वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ गलत मतलब उल्टा क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे थे, इसीलिए हमको इंग्लिश पहले सॉल्व नहीं करना था। का एक मेरा स्ट्रॉन्ग पोजिशन था मैथ, हम मैथ अंतिम में किए और 20 मिनट बाकी था, और तो मैथ छूट गया था, जिसके कारण से मेरा कम मार्क्स आ रखा है, सिर्फ 115 मार्क्स ही आए हैं। अगर मैथ बनाते हैं पहले तो मेरे अभी ख्याल से 130-135 के आसपास मेरा मार्क्स अच्छे से आ जाता है। तो वही थोड़ा गलत किए इसलिए इतना, जो कि इंग्लिश में वही 20 से 22 क्वेश्चन ही सही मात्र हैं। तो इसलिए होता है कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, जो वीक है उसको बाद में करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन कौन था, हाँ सॉरी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़े हैं गलत से, 29 नंबर का हम क्वेश्चन छोड़े हैं, यानी 49 मेरे क्वेश्चन बनाए थे रीजनिंग में, और 49 का 49 सही हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग अपना मार्क्स बताइए किस तरह से आया है। तो मेरे ख्याल से ये शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, क्योंकि हमको जहाँ तक लगा कि जीके का क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, जीके का क्वेश्चन थोड़ा ये था, हमको डिफ़िकल्ट लगा। काहे कि जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग कितने श्रेणी में ये हो गया, और ये सब ठीक है। हाँ जैसे ये देखिए 1990 फिर ये सब क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का है। जैसे ये सब देखिए, एक्यूचॉक का लो, ये सब जानता होगा जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे। और इसके बाद ये वर्षावन वाला हो गया, ये उसके बाद 1765 ईस्वी में ये वाला देखिए, ये सब क्वेश्चन मतलब पूरा अंदर से पूछा गया। और भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, सेनिया, ये सब क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से, ये पंचवर्षीय योजना से, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन अंदर से पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य, ये नागरिक, ये सबको पता है। उसके बाद हल्दी, ये सही था। उसके बाद ये देखिए कथन के रूप में ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, इसमें टाइम बहुत लग रहा था कि हाँ कौन सा होगा नहीं होगा, इसलिए इसको स्किप करना पड़ा। उसके बाद ये तो ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होगा। उसके बाद ये ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, और सॉरी ये गलत हो गया था, प्रथम अठाई, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए मतलब एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया, सब सब अल्टर रूप में पूछा गया, तो इसलिए जीके में उतना क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैथ भी इजी था और रीजनिंग भी इजी था, जो मेरे ख्याल से मैथ और रीजनिंग में 95+ क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता था, उसमें हम वही अगर पहले करते तो मेरे ख्याल से उसमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाता। तो वही हुआ कि कभी होता है कभी कभी, फिर भी 115 है। आई होप कि हमको ये मतलब कट ऑफ तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि वैकेंसी के अनुसार जहाँ तक देखा जाए तो कहा कि वैकेंसी 4300 है और अटेंडेंस भी उतना परसेंट नहीं है, 43% के आसपास अटेंडेंस है, उसके अनुसार से अगर हम देखें तो हो जाना चाहिए। और आगे हम देखते हैं सबसे पहले, और इस पर देख सकते हैं कि कोई भी सब क्वेश्चन एक भी डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। जैसे 1999 में प्रसिद्ध भारत रत्न कब मिला था, इसको जो मतलब पूरा डिटेल्स में पढ़ा होगा ना, यही तो हम इस जो भी टॉपिक इससे पहले SSC CHSL में पढ़े थे वो टॉपिक तो कर लिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब हार्ड था वो जैसे ये कथन निष्कर्ष हो गया, पंजाब निर्वाह फसल वाणिज्य की फसल, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ये हमको थोड़ा अल्टर लगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग का जी के अब पता नहीं अब कितना आप लोग किए होंगे। और यहाँ से मैथ देख सकते हैं, मैथ में जो जितना हम बनाए लगभग में सब सही है, देख सकते हैं कि मैथ में हम जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो सब सही किए हैं, क्योंकि हमको लास्ट में टाइम नहीं बचा था, प्रेशर आ गया था ऊपर से, और ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन, a² + b² + 1/2a, a^4 और b^7 का मान क्या होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगा था, और बाकी सब ईजी ही था जहाँ तक हम बात करें। वही टाइम के चलते ये सब क्वेश्चन हमको छोड़ना पड़ा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन जैसे कि ये टीरगो का है, टीरगो का भी आसान ये जी था और ये वाला है, तो जो भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट किए हैं ये सब बन गया। जैसे कि ये वस्तु कीमत में पहले 25% वृद्धि होती है,
तो क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ टाइम की वजह से छूटा है। तो यही अपडेट था। ठीक, फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल कटअप 88। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे पहले हम अपलोड किए थे कि आंसर क्या आने वाला है, लेकिन उस पर एक वीडियो अपलोड हो चुका, तो उसमें सब बोला था कि आंसर की अभी तक नहीं आया, फ्रॉड है, ये है, वो है। तो कोई नहीं, देख सकते हो कि हम आपके सामने में ये सब हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।